पवनदीप राजन की वजह से टीवी रियलिटी शो के इतिहास में पहली बार 75 एपिसोड पूरे हुए। जी हां, इंडियन आइडल सीजन 13 की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शो के तीनों जजेस जैसे हिमेश रेशमिया, नेहा कक्कड़ और विशाल डल्लानी मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शो के होस्ट आदित्य नारायण भी मौजूद थे। ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवनदीप राजन और नीता कांजीराल की कई बातें हुई। इसी बीच आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा गया, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि पिछले कल इंडियन आइडल सीजन 13 की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे 2 घंटों तक चली। इसी में जब आदित्य नारायण से ये पूछा गया कि आप पिछले सीजन को लेकर क्या कहना चाहते हैं, तब शो के होस्ट आदित्य नारायण ने कहा कि पिछला सीजन पहली बार इंडियन रियलिटी शो के इतिहास में ऐसा हुआ है जब किसी शो ने 75 एपिसोड पूरे किए हैं और ये सब शो के कंटेस्टेंट्स की वजह से हुआ है। हिमेश ने कहा कि जिसमें से पवनदीप और अनिता तो ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो अब आगे भी काफी अच्छा कर रहे हैं, यहाँ तक कि निहाल टोनो ने तो रक्षाबंधन फिल्म में कमाल ही कर दिया है। साथ ही साथ हिमेश ने ये भी कहा कि आगे चलकर बहुत जल्द अब ये मेरी फिल्मों में भी गाना गाने वाले हैं, यानी हिमेश अब पवनदीप को भी अब बहुत बड़ा बॉलीवुड में चांस देने वाले हैं। साथ ही साथ हिमेश ने ये भी कहा कि इस आने वाले सीजन में भी कुछ ऐसे कंटेस्टेंट आए हैं जो आगे चलकर मेरे साथ काम करने वाले हैं। जी हाँ, आप इसको लेकर कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करें। ऐसी कुछ खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।